हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल 20। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूँ और एक नए वीडियो लेके। इस वाला वीडियो पे मैं आप लोगों को इस टाइप का पॉपअप स्टेटस वीडियो बनाना सिखाऊंगा इलाइट मोशन ऐप के मदद से, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना बिना को स्किप कर। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके अलर्ट मोशन ऐप ओपन कर लेना, ठीक है। अगर आपको बस अलर्ट मोशन का मोड वर्सन नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर उधर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अलर्ट मोशन ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपल से प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इधर से आपको कोई भी एक रेशियो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 4:3 ए वाला रेशियो में सिलेक्ट करता हूँ। देन इसका जो बैकग्राउंड है आपको सिंपल से व्हाइट कर लेना है एंड क्रिएट प्रोजेक्ट के सिंपल से क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप प्लस वाला ऑप्शन पे जाना है एंड ऑडियो पे जाके आप ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो ऑडियो है मेरा वीडियो फॉर्मेट में है तो मैं वीडियो ऐड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा वीडियो है। तो मैं वीडियो को सिंपल से क्लिक करना, 3 डॉट पे जाना है एंड एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है, ठीक है। देन मैं वीडियो को सिंपल से इधर से डिलीट कर दूंगा। देन अभी आपको करना क्या होगा, आपको देख सकते हैं अभी आपको जो आपका जो गाना है वो अभी आपको सुनना है, ठीक है। एंड सुन कर आपका जो गाना है उसके ऊपर आपको बीट मार्क लगा देना है, ठीक है। तो बीट मार्क कैसे लगाते हैं, मान लीजिए आपका जो पहला लाइन है गाना का वो मान लीजिए इधर खत्म होती है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपल से जो टाइमर ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है एंड बीट मार्क लगाना है इस टाइप से, ठीक है। तो मैं पूरा का जो गाना है वो मैं सुन कर बीट मार्क लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो गाना है मैं पूरा का जो है बीट मार्क मैंने लगा लिया हूँ, ठीक है। तो आपको भी इस टाइप से बीट मार्क लगा देना है, ठीक है। देन अभी आपको करना क्या होगा, प्लस वाला ऑप्शन पे जाना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड आपका जो लिस्ट का पहला लाइन है वो आपको सिर्फ सिंपल से लिख लेना है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ। जैसे हो जाएगा आपको ऊपर की तरफ कॉर्नर पे क्लिक करना है एंड टेक्स्ट को आपको बीचों बीच ले आना है एंड रोबोट एंड रेगुलर पे जाना है। इधर आपको एक टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट। तो इसको आपको सिंपल से क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि अलर्ट मोशन ऐप पे कस्टम फॉन्ट पे कैसे ऐड कर सकते तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रहा है, वो वीडियो आप देख लेना है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन आपको करना क्या, इधर से आपको साइज वाला ऑप्शन पे जाना है, इसका साइज जो है वो आप थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है। इस टाइप से मैं 56 रख देता हूँ। देन इसका जो कलर है ये आपको ब्लैक रख लेना है, ठीक है। देन ओके पे क्लिक करना है। देन अभी मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है, इस टाइप से आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको ले आना है, ठीक है, आप देख सकते हैं। देन अभी आपका जो जिधर बिट मार्क है पहला बिट मार्क है उसके ऊपर आपको आना है एंड इसके ऊपर सिंपल से क्लिक करना है एंड इस टाइप से आपको ले आना है, ठीक है, फर्स्ट लाइन तक। देन अभी इसके ऊपर आपको इफेक्ट डालना है। तो इफेक्ट डालने के लिए आपको लेयर के ऊपर सिंपल से क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, एड इफेक्ट पर जाना है। इधर आपको सर्च बार पर आपको एक इफेक्ट मिल जाएगा लॉन्ग शैडो, ठीक है। देन इसको आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में डाल लेना है, ठीक है। देन इसको आपको करना क्या होगा, इसका जो साइज़ है, ठीक है, इसको आपको कम कर लेना है, ठीक है। तो कम करने इस टाइप से आपको कम करके कितना करना है, 0.030, ठीक है। तो मैं ठीक है इतना तक आपको रखना है, ठीक है। देन आपको एंगल को छोड़ना है एंड कलर को आपको ब्लैक रखना है। देन आपको इधर नीचे की तरफ आना है, ऊपर आपको आना है एंड आल्फा को आपको सिंपल से सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड आल्फा को आपको बढ़ा के 20 डिग्री करना है, ठीक है। तो इस स्टेप से आपको बढ़ा लेना है। ठीक है 20 आपको रख लेना, ठीक है, आप अपने हिसाब से रख देना, ठीक है। देन इसको क्लोज करना है ना, ऐड इफेक्ट पर और एक बार क्लिक करना है। इधर आपको और एक इफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट लिखना है आपको। जैसे टेक्स्ट लिखो आपके सामने जो सेकंड वाला है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर करके, इसको आपको क्लिक करना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग में आपको ऐड कर लेना, ठीक है। देन इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। देन अभी इसका जो वैल्यू है वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको स्टार्ट नीचे आपको नीचे की तरफ आना है, इधर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्केल करके, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको इस टाइप से छोटा कर लेना, ठीक है। देन अभी आपको करना क्या होगा, इस जो पहला है पहले आपको आना है, ठीक है। इसको आप इसको ऊपर आपको एक सिंपल सा बीट मार्क लगा देना है। देन इसको करना क्या होगा, कम करके -1 कर देना है, ठीक है। देन थोड़ा दूर आपको आना है इस टाइप से, इसके ऊपर और एक बार बीट मार्क आपको लगाना है एंड इसका जो वैल्यू आपको करना है +0.20, ठीक है, +0.20, ठीक है। इसको इतना तक रखना है, ठीक है। देन थोड़ा दूर और आपको आना है, इस इधर आपको और एक बीट मार्क आपको लगा देना है, इसका जो वैल्यू है आपको करना है -0.10, ठीक है, ठीक है, इतना रखना है। देन थोड़ा दूर और आना है आपको, और बीट मार्क लगा देना है, इसका जो आपको +0.10 करना है, ठीक है, ठीक है। इतना देर हो जाने के बाद आपको और एक बार थोड़ा दूर आना है, बीट मार्क लगाना है, इसका जो साइज है आपको कम करके 0.0505 करना है, ठीक है। इधर
अभी आपको करना है क्योंकि जो ये जो लेयर है इसको बीचों बीच आपको आना है, एक बिट मार्क आपको लगाना है एंड इसको जीरो कर लेना है, ठीक है। देन लास्ट पे आपको आना है, सॉरी, इधर आपको एक बिट मार्क लगा देना है एंड इसको आपको दोबारा से आपको माइनस ऑन कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका जो मतलब इफेक्ट है कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। देन आपको लास्ट में और एक इफेक्ट डालना है, तो लेयर पे जाना है, इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, ठीक है। इधर आपको सर्च करना है स्ट्रिप्स करके, ठीक है, ठीक है। तो ये स्टेप्स स्ट्रिप को आपको स्टैंडर्ड सेटिंग में ओपन कर लेना, ठीक है। देन इसको ओपन करेंगे तो काउंट को आपको सबसे कम करके 0.5 करना है, ठीक है। उन वाइप को आपको कम करना है, इसको कम करके कितना करना है मैं आपको बता देता हूँ, 0.20 करना है, ठीक है, मैं 20 कर देता हूँ। देन आपको एंगल के छोड़ना है एंड फेस के ऊपर आपको सिंपल से आना है। अभी आपको करना क्या होगा, जो लिरिक्स है, ठीक है, इसके ऊपर आपको पहले आना है, इधर एक बीट मार्क आपको लगा देना है, ठीक है। बीट मार्क लगा देने के बाद इसका जो वैल्यू है आपको करना क्या होगा, 1.50, ठीक है, बढ़ा लेना है। ठीक है, इतना देर हो जाने के बाद आपको करना क्या होगा, बीट मार्क को इसका स्टेप से स्पेस करना एंड फास्ट पे ले आना, ठीक है। एंड लास्ट पे आपको अब इधर आपको बिट मार्क लगा देना है एंड इसका जो वैल्यू है ये आपको सबसे कम करके 0.30 कर लेना है, ठीक है। इतना तक हो जा, पॉइंट 0.35 कर लेना, ठीक है। एंड इसको स्प्रेस करके लास्ट पे क्लिक करना, ठीक है। तो आपका तो देख सकते हैं आपका जो कलर है एंड इस और एक बात, स्ट्रिप्स पे ओपन करना है एंड इसका जो कलर है ये आपको रेड करना है। सेकेंड वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इसको स्टेप से बढ़ा देना है, ठीक है। तो आपका जो ये मतलब ये हो जो इफेक्ट है वो डालना हो गया था। देन आपको करना क्या है, लेयर के ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ये वाला लेयर आपको सिंपल सा डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। देन ऊपर की तरफ डुप्लीकेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफर पे जाना है, स्टेप्स आपको ऊपर की तरफ ले आना है, ठीक है। एंड इसको आपको करना क्या होगा, एडिट टेक्स्ट पे आपको जाना है एंड इसको आपको सिंपल से मिटा देना है पूरा। एंड कोई भी एक लेटर आपको लिख लेना, ठीक है, तो मैं के लिख लेता हूँ। देन आपको रोबोट एंड रेगुलेटर पे जाना है, इधर आपको एक फॉन्ट मिलेगा सेंट वैलेंटाइन करके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको आपको ओपन कर लेना एंड इसका जो साइज है थोड़ा सा बढ़ा के 64 कर देना, देन ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका जो पहला लाइन है ये इस टाइप से कुछ हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, इस दोनों लेयर के ऊपर आपको सिंपल से क्लिक करना है एंड इसके ऊपर सिंपल से क्लिक करना है, ये लेयर आपको कॉपी टू लेयर करना है, ठीक है। देन आपको इस वाला बिट मार्क के ऊपर आना है एंड इसके ऊपर सिंपल से क्लिक करना है एंड पेस्ट टू लेयर कर देना है, ठीक है। देन आपको करना क्या होगा, इतना देर आपको आना है एंड इसको लेयर को ऊपर सिंपल से क्लिक करना है, टाइमर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड इसको स्टेप से बढ़ा देना है, ठीक है। देन आपको इसी तरह से ये भी स्टेप से बढ़ा देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपका जो सेकंड लाइन है इस स्टेप से हो जाएगा, ठीक है। आप अभी करना क्या होगा, आपको नीचे की तरफ लेयर के ऊपर सिंपल से क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पे जाना है, इसको आपको डिलीट करना है एंड इसका जो सेकंड लाइन है ये आपको लिखना है। देख सकते हैं मेरा सेकंड लाइन है, लिख लिया हो, देन ओके पे क्लिक करना है एंड ऊपर की तरफ जो इमोजी वाला ऑप्शन है इसके ऊपर सिंपल से क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पे जाना है, इसको मिटा के आपको और एक दूसरा लेटर लिखना है, ठीक है। देन ओके पे आपको क्लिक करना है, देन इसी तरीके से आपको बाकी का जो लेयर है इसी तरीके से आपको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन आपको लिखना हो जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड ए वाला इमेज आपको सिंपल से एक्सपोर्ट कर लेना है।